हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों, आज हम आए हैं आपको लेकर के हरियाणा के नारनौल शहर में, और यहाँ पर हम आपको लेके आए हैं जल महल। जल महल जो आप सुना करते थे सिर्फ राजस्थान में है, आज आपको हम दिखलाएंगे हरियाणा के नारनौल में भी है। काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी प्यारा है। क्यों बनाया था, किसने बनाया था, कब बनाया था, सारी जानकारी आपको हम देंगे। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं नारनौल का जल महल। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है इसका एंट्री गेट, है ना, और चारों तरफ से फेंसिंग आप देख सकते हैं लगी हुई है। यहाँ पर जल महल का बोर्ड लगा हुआ है, और इस तरह से आप चारों तरफ देख सकते हैं इसका एम्बियंस। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है, और आबादी उतनी बसी भी नहीं है। और यहाँ से हम इसके अंदर जाएंगे। टिकट की अगर हम बात करें तो कोई टिकट नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर जो है आपको अपना आधार कार्ड या कोई भी ऐसा आईडी प्रूफ लेकर के आना पड़ेगा। कितना बेहतरीन लग रहा है, और काफ़ी लोग को आप देख सकते हैं ना, पूरे पार्क में जो है यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा पार्क है, और एक ज़माने में जो है दोस्तों यहाँ पर पूरा पानी हुआ करता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा सूखा हुआ है, कहीं एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। कब बनाया गया था, किसने बनाया था, सारी जानकारी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं, ये है जल महल का एंट्री गेट, है ना, ये है मेन दरवाजा जहाँ से हम लोग जल महल के अंदर जाएंगे। ऊपर में अगर आप देखें तो एक छज्जा बना हुआ है, और हर मॉन्यूमेंट के तरह यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर जो है छज्जे को सपोर्ट करने के लिए एक नीचे में जो है एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। सामने में आप देखें एक बड़ा दरवाज़ा है, दोनों साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेहराब बना हुआ है, इसमें जो है सैनिक वगैरह खड़े रहते थे उस ज़माने में। और अब हम चलते हैं इसके अंदर, और अंदर चलने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखता है किस तरह का कक्ष। एक कक्ष ये दिख रहा है, और एक और कमरा जो है आपको यहाँ पर दिख सकता है। यहाँ पर जो है ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, इससे लोग ऊपर जाते थे। और इधर आप देखिए, यहाँ पर भी जो है पीछे में इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह के छज्जे बहुत सारे बने हुए हैं, और यहाँ पर भी सेम उसी तरह से नीचे में आप देखिए छज्जे को सपोर्ट करने का स्ट्रक्चर बना हुआ है। दोनों साइड में जो है बिल्कुल सिमेट्रिकल है। इधर भी आप देखिए छोटे छोटे जो आले बने हुए हैं, और सेम उसी तरह से इस साइड में भी यहाँ पे आले बने हुए हैं। इस पूरे जो ब्रिज को अगर आप देखें तो इसमें जो है ना टोटल 16 मेहराब बने हुए हैं, और इसी 16 मेहराब को क्रॉस करके आप पहुँच जाइएगा जल महल पे। कितना ज़बरदस्त लग रहा है, वहाँ भी आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं नीचे जाने के लिए, और उस साइड भी जो है आपको सीढ़ियाँ यहाँ पर दिख रही हैं, और पानी का नामो निशान तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। तो गाइस, एक जल महल जो है राजस्थान में भी है, और एक जल महल जो है ये नारनौल में है। इसके बारे में जो है बहुत ही कम लोग जानते हैं। कितने ज्यादा कबूतर वगैरह हैं, और चारों साइड में जो है ना चार छतरियाँ आपको दिख रही हैं। बीच में जो है ना एक बहुत ही बड़ा मेहराब बना हुआ है, दोनों साइड में छोटे छोटे मेहराब जो है बने हुए हैं दो साइड में, और अगल बगल जो है ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, और हर जगह की तरह सीढ़ियाँ यहाँ पे बंद है। तो इधर भी आप देख सकते हैं कि एक सीढ़ी यहाँ पे बनी हुई है, वैसे ही यहाँ पे ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। और दोस्तों, अब हम लोग पहुँच चुके हैं इसके मेन हिस्से पे, है ना, यहाँ से इसका एंट्री होता है, और इसके अंदर तो किसी की कब्र नहीं है, क्योंकि ये जो है ये असल में ये महल है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। फिलहाल चीज़ें जो हैं यहाँ पर काफ़ी बदतर हो रही हैं, है ना, मेंटेनेंस कुछ खास यहाँ पर नहीं है, लेकिन तब भी आप देख सकते हैं चीज़ों को कि पहले की चीज़ें थी और कितनी खूबसूरत लग रही। यहाँ पर जो है कुली खान की तारीफ में ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर लिखा गया है। कुछ चीज़ें पता चल रही हैं, कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे पता नहीं चल रही हैं। और ऊपर में अगर आप देखें तो ये नक्काशी देखिए, उस ज़माने की नक्काशी जो है आज तक इंटैक्ट है। साइड में आप देख सकते हैं कि चार साइड में जो है ना एक नक्काशी की हुई है, ये भी अपने आप में अद्भुत लग रही है। और ऊपर में आप देख सकते हैं एक रोशनी के लिए जो है एक ओपनिंग बनी हुई है। और अब हम जा रहे हैं नीचे से अंदर, तो दोनों साइड से आप देख सकते हैं कि पूरे महल में जो है ना इस तरह से भूल भुलैया टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। हम लोग फिलहाल यहाँ से इसमें एंट्री करते हैं, और गाइस अब आप ये देख सकते हैं इस तरह से, आप देखिए अंदर से जो है ये आठ साइड का आपको दिखता है ऊपर से। नीचे से अगर आप देखें तो ये जो है टोटल चार साइड का है। एक साइड में, हर एक साइड में जो है दरवाज़ा है, और दो आले जो है साइड साइड में बने हुए हैं। हर एक साइड में ऊपर में इस तरह की जो है ओपनिंग्स बनी हुई है, और सेम ऊपर में आप गुंबद देख सकते हैं। गुंबद भी जो है जिस तरह का बाहर में जो नक्काशी थी कोने कोने में, सेम उसी तरह की जो नक्काशी इस वाले छतरी के नीचे की गई है। तो इस तरह से आप जो है हर एक कमरे में जो है इसके जा सकते हैं। और अब आप देखिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा बाहर वाले हिस्से में आ चुके हैं, तो हर एक साइड से अगर आप देखें तो ये जो है बिल्कुल ही सिमेट्रिकल है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे खड़े होते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस साइड से जो है ना तीनों में, चारों मेहराब जो है यहाँ पे बिल्कुल एक लाइन में दिख रहा है।
और ये जो है हम लोग अभी इसके दाहिने वाले साइड में आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम सिमेट्रिकल है। तो दोस्तों ये था यहाँ का महल, और अभी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीढ़ी जो है यहाँ पे खुली हुई है, तो ये आप देख सकते हैं काफी ऊंची ऊंची सीढ़ी है। अगर आप ऊपर आ रहे हैं तो थोड़ा सा होशियारी से आपको आना पड़ेगा। और अब आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह की चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। तो बस एक कमरा छोटा सा बना हुआ है ना, चार साइड का है, दो साइड से ये खुला हुआ है, ये आप देख सकते हैं, और एक साइड सीढ़ी वाली है, एक साइड से ये बंद है। ऊपर अगर आपको हम दिखाएं तो ऊपर में छोटा सा ये गुंबद नुमा ऊंचाकार बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप चीजों को देखिए, लोगों की हरकत देखिए, किस किस्म के लोग और किस मानसिकता के लोग होते हैं जो अपने नाम से इस चीजों को बर्बाद कर रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काजल, भरत, संदीप। तो दोस्तों ये था यहाँ का जल महल है ना, और अब हम लोग आते हैं इसके इतिहास पे, कब बनाया गया था, किसने बनाया था, क्यों बनाया था। तो दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये असल में मुगल कालीन स्ट्रक्चर है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि मुगल में जो है टोटल 21 बादशाह गुजरे हैं, जिसमें से तीसरे नंबर पे थे अकबर। अकबर एक ऐसे बादशाह थे जो कि पहचान के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। 14 साल की उम्र में उनको गद्दी पे बैठा दिया गया था उनके बाप हुमायूं के मरने के बाद, और चूंकि वो काफी छोटे थे, मात्र 14 साल के थे, इसलिए उनके ऊपर सरपरस्ती थी बैरम खान की। और बैरम खान के साथ दोस्तों एक और इंसान रहा करते थे जिन्हें बैरम खान की सरपरस्ती थी, उनका नाम है शाह कुली खान। और बैरम खान की नजदीकी की वजह से जो है उनको मुगल परिवार में काफी ज्यादा फेवर भी मिलता था। लेकिन दोस्तों फेवर तभी मिलता है जब इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की जो है ख्वाहिश होती है, और कुली खान के अंदर जो है ये सारी ख्वाहिश भर भर के भरी थी। ऐसा कहा जाता है कि वो जो है काफी ज्यादा होशियार थे और काफी अच्छे, काफी ज्यादा बहादुर मिलिट्री ऑफिसर भी थे। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जब 1550 में सूर्यों के खिलाफ जो बहुत सारी जंगें हुई थी, तो उसमें शाह कुली खान ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और अपने आप को जो है बादशाह के सामने साबित किया था। और सबसे ज्यादा साबित तब किया जब पानीपत की दूसरी जंग हुई, जिसमें उनकी वजह से ही हेमू घायल हुआ, और फाइनली हेमू के घायल होने की वजह से जंग जो है अकबर यानी मुगल वंश के हाथ में आ गई, और फिर से मुगल वंश जो है कायम हो गया था। तो इस वजह से जो है ना अकबर काफी ज्यादा खुश हुए कुली खान से, और फाइनली 1570 के दौरान उनको जो है इस नारनौल का यहाँ पे गवर्नर बना दिया। फाइनली 1591-92 के टाइम में जो है उन्होंने इस महल को बनाया था, और इसको जो है करीब करीब 3 साल लगे थे सब कुछ बनाने के लिए। यानी इस महल को, ये पुल को, पीछे जो दरवाजा देख रहे हैं, और ये जो पूरी लेक है, इन सब को बनाने में करीब करीब 3 साल यहाँ पर लगे थे। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि इस महल को बनाने से पहले जो है कुली खान ने अपना पहले मकबरा बनवा दिया था, जहाँ पर उनको बाद में दफनाया गया था, और वहाँ के 15 साल के बाद जो है इस महल को यहाँ पे बनाया गया था। तो दोस्तों ये था इस महल की पूरी जानकारी, पूरा इतिहास, कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, कैसे बनाया गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का व्लॉग जो है देख के काफ़ी मज़ा आया होगा। तो अब हम मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, किसी नई जगह पर, नए इतिहास के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।